आज मैं घर पे आपको सिंपल तरीके से भटूरे बनाना बताऊंगी। इसके लिए 2 कप मैंने मैदा ले लिया और होल कर लेंगे, और 3 टेबल स्पून हमने दही डाला है, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच हम सूजी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल करके 1 चम्मच घी डालेंगे या तेल, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बेकिंग पाउडर, सोडा और दही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, नॉर्मल ही पानी है। इसे डालते हुए हमें इसका लूज आटा यानी कि लूज डो बना करके तैयार कर लेना है। ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है और ज़्यादा हमें इसको मसलना नहीं है, बस बाइंडिंग करना है। अब मैं इसको एक बाउल में रख देती हूँ और इसको 2 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। 2 घंटे के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाता है। अब छोटे छोटे पोर्शन उठाएंगे और थोड़ा सा हम सूखा मैदा छिड़क करके इसे बेल लेंगे। हम ओवल के आकार में बेल लें, आप गोल भी बना सकते हैं। अब तेल को मैंने गर्म कर लिया अच्छी तरीके से और उसमें डाल देंगे। फटाफट से ये फूल जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो फ्रेंड, आप भी इस तरीके से ज़रूर भटूरे घर पे बनाएं। हमें ईस्ट वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप दही से भी बहुत ही अच्छा भटूरे बना सकते हैं। तो सभी भटूरे को मैंने इस तरीके से बना लिया है और इसको मैं छोले के साथ सर्व करूँगी। तो आप छोले भी बना सकते हैं, मेरी चैनल पर आप छोले की रेसिपी देख सकते हैं। अच्छी लगी हो रेसिपी तो एक लाइक ज़रूर करें।